जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन एक्सरसाइज जो होता है, खासकर कि जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। अभी पहले जो 80 प्लस ईयर्स के लिए उपलब्ध थी, अभी 85 प्लस कर दी गई। एक छोटा सा उदाहरण देना। इसी प्रकार से समय के साथ साथ बहुत सारी ऐसी नई चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ओल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम में हर 2 घंटे में SMS दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से। अभी इस वर्ष से इलेक्शन सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन चालू किया गया है, जिसमें जो भी सीजर होता है उसको एप्लीकेशन के माध्यम से डाला जाता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मिल जाए। को सिर्फ यही बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके डीएम साहब ने भी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूटी है माइक्रो ऑब्जर्वर की। छोटा सा काम है, एक दिन का काम है, बट बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये एक गर्व महसूस करने वाली भी एक बात है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर इलेक्शन मशीनरी विच मेक्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो इसके साथ मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ड्यूटी है, इट इज नॉट अ रेगुलर ड्यूटी, इट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। आप लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, यू आर सपोज टू एक्ट एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यू आर गोइंग टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ऑब्जर्वर फॉर एनी काइंड ऑफ एनोमली। कुछ भी आपको लगता है जो प्रोसेस स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यू आर सपोज टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ऑब्जर्वर। इन सब लोग याद रखिए, BBC लाइक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, BBC ने BBC सब भूल जाइए, सिर्फ ये सीरीज याद रखिए। जब पोलिंग स्टेशन पर मशीन काम नहीं करता है, जनरली जो पोलिंग पार्टी है, दे स्टार्ट पैनिकिंग, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कनेक्शन रिलेटेड। BBC के जगह BBC कर दिया, ठीक है।